और लो जी मैंने ये डिस्प्ले तोड़ दिया जहां पे पाकिस्तान को इतने लोग बेदर्दी से लूट रहे हैं वहां पे डीजी लॉक कैसे रह सकते हैं भाई इनके स्कैम करने का तरीका कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई भी इनको आसानी से पकड़ ले भाई मैंने तो इनको पाकिस्तान का बिगेस्ट ऑनलाइन स्कैमर्स का खिताब दे दिया है इन लोगों का तरीका वारदात आप लोगों के रोंगठे खड़े कर देगा एंड यू गोना बी लाइक वाओ आप एक ही प्रोडक्ट इनसे दो बार परचेस करोगे और आपको फील ही नहीं होगा कि यार आप लोगों के साथ कोई स्कैम हुआ है इन लोगों की दो वेबसाइट्स हैं हाल रोड डॉट ओ आर जी एंड डिजी लॉक डॉट के शायद इनकी एक दो वेबसाइट और भी हों जो मुझे अभी नहीं पता एनी anyway, अगर आप गूगल पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट सर्च करो तो इन दो वेबसाइट में से कोई एक वेबसाइट तो नजर आ ही जाएगी तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट की प्राइस को देखेंगे प्रोडक्ट की इमेज को देखेंगे तो किसी भी नॉर्मल बंदे की तरह आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर लेंगे सेम ऐसा मेरे भाई ने भी किया उसने एच केबल ऑर्डर कर ली तो जो एच केबल मेरे भाई ने रिसीव की वो बिल्कुल इमेज से डिफरेंट और ख़राब भी थी तो जब मेरे भाई ने कम्प्लेंट किया तो एस पर द पॉलिसीज़ पता है ना वो जो लेक्चर देते हैं पॉलिसीज़ का कि भाई आप इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपने बनाई होगी वो आप सेंड कर दें या अगर आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया है तो आप उसकी वीडियो वगैरह सेंड कर दें आप बताएं भाई मसला कहाँ पर है आप उसको यूज़ कर लें ये कर लें वो कर लें मेरे भाई ने भाई सब कुछ किया वीडियो भी बनाई उनको क्लिप्स वगैरह भी सेंड किए हर एक चीज एक्सप्लेन की भाई वो नहीं माने अब इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भाई जो चीज हमने सेंड किया है वो ऑलरेडी खराब है पर नहीं टेस्टिंग टेस्टिंग, टेस्टिंग तो हमने खेलनी है क्योंकि नेक्स्ट बंदे को शक हो सकता है भाई, भाई वो ऑर्डर प्लेस करें वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर तो प्लेस करें ऊपर तो एक ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है वो तस्वीर सेंड करें क्लियर पिक्चर सेंड करें ताकि कुछ नजर आए

और साथ में ये भी कहा कि आपके पास जो ये ऑलरेडी केबल है जो ख़राब है जो काम नहीं कर रही है आप ये हमें फिर से, से सेंड कर दें क्या बात है यार जब मुझे इस सारे सीन का पता चला तो मैं हंड्रेड परसेंट शो हुआ कि ये स्कैमर्स हैं एंड जस्ट टू मेक श्योर कि ये जेनवन वाले स्कैमर्स हैं मैंने दो और ऑर्डर प्लेस किए डिफरेंट आई डीज़ है एक मैंने वोल्टेज सेंसर ऑर्डर किया और एक मैंने डिस्प्ले ऑर्डर किया और प्राइसेस जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी स्टार्ट से यादत आदत है कि जब भी मैं प्रोडक्ट्स को रिसीव करता हूँ मैं उसी टाइम उन सारे प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ तो गईज़ अभी आप कर सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया होगा मैंने दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एक डिस्प्ले और एक वोल्टेज सेंसर तो इनमें से जो डिस्प्ले था वो बिल्कुल ख़राब था मैंने चेक किया उसको और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था जबकि जो वोल्टेज सेंसर था वो काम कर रहा था तो जब मैंने कंप्लेन किया तो एज एक्सपेक्टेड सेम कन्वर्सेशन जो मेरे भाई से की थी आप मेरे साथ स्टार्ट कर लें और मुझसे सेम चीज कही के आप ये प्रोडक्ट वापस कर दें और एक और ऑर्डर जो है आप प्लेस कर दें अगर आप पहली बार हाल रोड डॉट ओ आर जी या डिजी लॉक डॉट पी के से कोई चीज परचेस कर रहे हैं तो 95% चांसेस हैं कि वो चीज खराब होगी हंड्रेड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई खराब प्रोडक्ट बची ना हो तो फिर मजबूरन उनको सही वाला प्रोडक्ट सेंड करना पड़ेगा और अगर आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हो तो फिर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर के उनमें से एक या दो प्रोडक्ट्स लाजमी खराब होंगे अब मेरे केस में जो वन थाउजेंड एंड फिफ्टी रुपीज का एल सी डी था वो खराब था और जो सस्ते वाला वोल्टेज सेंसर था वो ठीक था तो मेरे आप देख सकते हैं मैंने इस बंदे के साथ काफी ढेर सारे टेक्स्ट महजेस भी किए हैं मैंने इस बंदे को वॉइस महजेस भी मैंने सेंड किया पर इस बंदे ने थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की और कभी ये टी वालों को ब्लेम करता रहा ये भी हो सकता है और होता भी है कि टी वाले पैकेजेज के ऊपर बैठ भी जाते हैं उनको उठा के फेंकते भी हैं खैर एडन मैंने उनको रिमाइंड करा दिया कि आप है और जब मैंने उनको ये बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो ये बंदा एकदम से लाइन पे आ गया आप जरा इसका ही वॉइस मैसेज सुने ठीक है आपको माशा सब कुछ अच्छी तरह से पता है आप इस एल को हमें रिटर्न सेंड करें हम आपको न्यू एल भेज देंगे और

तो कल को अगर कोई और बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो सेम यही ख़राब वाली इलसीडी ये लोग उसको सेंड करेंगे और फिर जो है वो उस बंदे को स्कैम करेंगे और अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं करता तो मैंने सोचा यार कि चलो सिर्फ़ वन थाउजेंड रुपीज़ ही तो हैं तो मैंने कहा कि यार मैं ऐसा नहीं करूँगा बल्कि मैं इसको तोड़ दूँगा और मैंने उनको वॉइस मैसेज भी सेंड किया तो आप सुने ज़रा मेरा वॉइस मैसेज तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको ये वापस रिटर्न करूंगा फिर तुम इसको किसी और को भेजोगे फिर किसी और को धोखा दोगे वीडियो में मैं इसको अच्छा खासा तोड़ूंगा तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस डिस्प्ले को तोड़ दूंगा लेकिन मैं वापस सेंड नहीं करूंगा तो ये लो जी मैं इसको तोड़ने वाला हूं और लो जी मैंने ये डिस्प्ले तोड़ दिया मैं ये वीडियो कभी भी नहीं बनाता अगर इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व ना होते क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा बचा के अपने मिनी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कंपोनेंट्स परचेस करते हैं या फिर अपने कॉलेज और स्कूल के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कंपोनेंट्स परचेज करते हैं या फिर वो अपने फ़ाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कंपोनेंट्स परचेज करते हैं और आगे जाके जब इनका वास्ता इस किस्म के बेज़मीर लोगों के साथ पड़ता है और वो इनके पैसों को लूटते हैं तो भाई तकलीफ़ होती है तो मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे कमेंट्स को सर्च करते हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे तो अगर आप लोगों के सामने ये दो वेबसाइट्स आती हैं तो आप लोगों ने कम से कम दस बार सोचना है कि आप लोगों ने इनसे प्रोडक्ट परचेस करनी है या नहीं करनी है इन लोगों की ये दो वेबसाइट इसीलिए हैं शायद कि अगर एक वेबसाइट पे आप लोगों को धोखा मिलता है आप वहाँ से परचेज नहीं करते तो अब जब आप दूसरी वेबसाइट को ओपन करते हो आपको आइडिया नहीं होता कि ये वेबसाइट भी इन लोगों की है तो आप यहाँ से परचेज कर लेते हो और वहाँ पे भी सेम आपके साथ ऐसा ही होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी विक्टम नहीं बनना है लोगों का सो डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड लेट मी नो एन अ कामेंट अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ है And don't forget to like, share and subscribe.